हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल शिवास किचन। दोस्तों, आज की रेसिपी है मिंट लेमोनेड, लेमन मॉकटेल भी बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। उस गर्मी में तो आप एक बार पीजिए, आपको अंदर तक ठंडाहट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ बनाते हैं इस गर्मी में, चलिए। तो पहले दोस्तों, एक ग्लास लेंगे कांच का, उसमें एक नींबू को चार टुकड़ा करेंगे उसमें डाल के, उसके बाद पुदीने के कुछ पत्ते उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद एक टेबलस्पून शुगर इसमें डालेंगे। आपका जितना मीठा खाना है उतना आप ऐड कर सकते हो। डालने के बाद दोस्तों, इसको कुछ भी लकड़ी से, साफ लकड़ी से इसको क्रश करेंगे दोस्तों। 30 सेकंड के लिए क्रश कीजिए, अच्छे से, ज़्यादा मत कीजिए, 30 सेकंड बहुत है। उसके बाद दोस्तों, ये फूल तो आप पहचाने होंगे, इसको क्लेरिटोरिया फ्लावर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अपराजिता फूल मिलते हैं, आपके यहाँ तो आसानी से मिलता होगा। इसमें इसको 5-6 फूल लेके दोस्तों, थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए इसको भिगाएंगे। उसके बाद देखिए, इसका कलर निकल जाएगा दोस्तों इस तरीके से। ये ऑर्गेनिक कलर है दोस्तों, बहुत ही लाभदायक है शरीर के लिए। अब देखिए कलर निकल गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब जो क्रश किया हुआ नींबू, पुदीना और शक्कर का मिश्रण है, उसमें हम इस अपराजिता कलर को दोस्तों ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। उसके बाद सोडा ऐड करेंगे दोस्तों, आप पानी भी ऐड कर सकते हो, ठंडा पानी, सोडा भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे सोडा यूज़ किया हूँ। और दोस्तों, इसको अच्छे से सेक कीजिए 2 मिनट के लिए, मिलाते रहिए 2 मिनट के लिए, जब तक शक्कर ना घुल जाए। उसके बाद 3 से 4 आइस क्यूब्स इसमें डालिए और अच्छे से 1 मिनट के लिए मिला दीजिए दोस्तों। और ये तैयार है दोस्तों, तैयार है दोस्तों लेमन मॉकटेल। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए मेरे चैनल को। और आप एक बार ज़रूर बना के देखिए दोस्तों, आपको घर वाले को बहुत ही पसंद आएगा। और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों।